ओमिक्रॉन के बाद अब कोरोना के नए वेरिएंट न्यूकोव ने दुनिया भर के लोगों की चिंता को एक बार फिर बढ़ा दिया है। इस नए वायरस को लेकर वुहान के वैज्ञानिकों ने बड़ा दावा किया है। इनका कहना है कि यह वेरिएंट दक्षिण अफ्रीका में मिला है। इसकी संक्रमण और मृत्यु दर दोनों ही बहुत ज्यादा है। इसके द्वारा फैलाए गए संक्रमण में से 3 में से 1 लोगों की मौत हो सकती है। बता दें कि वुहान वही शहर है जहां से 2020 में कोरोना महामारी फैली थी। इसी बीच चीन के वैज्ञानिकों के दावों को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन का भी बयान आया है। WHO ने इस पर आगे और स्टडी करने की जरूरत बताई है। संगठन के मुताबिक यह आम लोगों के लिए कितना खतरनाक है या नहीं, इस पर अध्ययन करना अभी बाकी है। इसके डेवलपमेंट पर भी नजर रखी जा रही है। वहीं रूस की न्यूज एजेंसी स्पुतनिक के मुताबिक यह वेरिएंट नया नहीं है, यह कोरोना वेरिएंट MERS-CoV वायरस से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले 2012 और 2015 में पश्चिमी एशियाई देशों में इसके मरीज मिले थे। दक्षिण अफ्रीका में भी यह न्यूकोव वेरिएंट चमगादड़ के अंदर देखा गया था। फिलहाल कोरोना के इस नए वेरिएंट की स्टडी की जा रही है।